हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, रॉड्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेपर प्रेशर। अगर हम किसी क्लोज्ड कंटेनर में एक लिक्विड डालते हैं तो उसमें स्पॉन्टेनियसली इवेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो वेपर्स बनेंगे उनमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वेपर्स और लिक्विड्स के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है, उस वक्त जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो कहलाता है वेपर प्रेशर। तो कैसे डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर को? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी जो प्रेशर किसी लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगाते हैं जब लिक्विड और वेपर्स आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में हो एक गिवन टेम्परेचर पे, तो वो कहलाता है वेपर प्रेशर। द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, मेनली दो फैक्टर हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड। हमें पता है कुछ लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं तो उनकी इवेपरेशन फास्ट होती है, कुछ लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उनकी इवेपरेशन स्लो होती है। तो इसका मतलब जिन लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे इवेपरेशन ज्यादा होने की वजह से वेपर प्रेशर हाई आएगा। इट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेम टेम्परेचर पे तीन लिक्विड लेते हैं, वाटर, इथेनॉल एंड एसीटोन, तो हम देख सकते हैं वाटर में क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा है तो इसीलिए वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से कम होता है, इसलिए सेम टेम्परेचर पे इथेनॉल के वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा वेपर बनेंगे और इसीलिए वेपर प्रेशर रिलेटिवली हायर होगा। एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में रिलेटिवली काफी वीक है, इसीलिए सेम टेम्परेचर पे एसीटोन के वेपर्स आप देख सकते हैं इन डायग्राम्स में वाटर से भी ज्यादा है और इथेनॉल से भी, तो एसीटोन का वेपर प्रेशर रिलेटिवली वीक फोर्सेस होने की वजह से सबसे हायर होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। हमें पता है कि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं और ये डायनेमिक नेचर का है। अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल, टेम्परेचर का बढ़ाना इवेपरेशन को तो सपोर्ट करेगा, फास्ट कर देगा, जबकि कंडेंसेशन क्या हो जाएगी? स्लो। तो इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए अब डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी एक बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही लिक्विड्स हैं। इन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स वेपर फेज कंसिस्ट ऑफ वेपर्स ऑफ बोथ द लिक्विड्स। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो लिक्विड कंपोनेंट्स हो तो उसके वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट लिक्विड्स के वेपर होंगे। डायग्राम में यह स्पष्ट दिख रहा है। फर्दर, इट इज फाउंड दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन एंड इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। साथ ही ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो वेपर फेज में एक कॉम्पोनेंट के वेपर्स हैं या उस कॉम्पोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लिक्विड सॉल्यूशन में उस कॉम्पोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में रोल्स लॉ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टडी करते हैं रोल्स लॉ। रोल्स लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी किसी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर फेज में अगर किसी एक पार्टिकुलर कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर देखते हैं, यानी उसका पार्शियल वेपर प्रेशर देखते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मैथमेटिकली पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब इन एक्सप्रेशंस में हमने जो सिंबल यूज किए गए हैं उनके मीनिंग्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पी नोट ए एंड पी नोट बी, यहां पे पी नोट ए इंटू पी नोट बी लिए गए हैं प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी के वेपर प्रेशर्स, यानी सॉल्यूशन में मिक्स करने से पहले उनके जो वेपर प्रेशर्स होंगे किसी गिवन टेम्परेचर पे वो वाले। तो देखते हैं प्रॉपरली इनको। पी नोट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी नोट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, पी ए इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी बी इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स ए एंड बी इज द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ बोथ द लिक्विड कॉम्पोनेंट्स। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, जिसमें हमने सीखा था कि जब दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर एक कंटेनर में होता है तो उस कंटेनर में जो गैसेस का टोटल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहां एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में भी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। यानी पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहां पे पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी ए है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पी बी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। रोल्स लॉ पिछली स्लाइड में हमने देखा था पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए और इसी प्रकार से पी बी क्या था पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो रोल्स लॉ से अगर यहां पी ए और पी बी की वैल्यूज पुट कर दें तो इक्वेशन आ जाएगी पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब हम जानते हैं कि बाइनरी मिक्सचर के केस में सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1, तो एक्स बी को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए से रिप्लेस करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ गई पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। इसको एक्सपेंड कर लें तो बन जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी। अब इसमें एक्स ए कॉमन ले लें तो एक्सप्रेशन आ जाएगी पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी मल्टीप्लाइड विद एक्स ए प्लस पी नोट बी। पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसी प्रकार से पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, दैट इज ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और जो यहां इस करंट स्लाइड में लास्ट एक्सप्रेशन है पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम वेपर प्रेशर वर्सेज मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट्स एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो इस प्रकार से आएगा। चलिए अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। 2 मोल हेप्टेन वेपर प्रेशर 90 mm ऑफ मर्क्यूरी इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑफ ऑक्टेन वेपर प्रेशर 30 mm ऑफ मर्क्यूरी टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 2 मोल हेप्टेन और 3 मोल ऑक्टेन, इन दोनों को मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन इनका बना दिया और हमसे पूछा गया है कि जो आइडियल सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2 मोल्स ऑफ हेप्टेन एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, यानी टोटल मोल्स आर 5।
अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शंस ऑफ द टू लिक्विड्स एक्स ए एंड एक्स बी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन के यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम गिवन है, तो और जो कंपोनेंट कम होता है उसको हम सॉल्यूट मान लेते हैं, और सॉल्यूट के लिए हम सिंबल यूज क्योंकि बी कर रहे हैं, तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन का सिंबल बन गया एक्स बी। और ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन यानी 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी 5, सो एक्स बी विल बी इक्वल टू 2/5। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन आ जाएगा एक्स ए, और उस वो वैल्यू आ जाएगी ऑक्टेन के मोल्स 3 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 5 यानी 3/5। अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पीएस किसके इक्वल होता है, पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। यहां पी नोट ए क्या हो जाएगा, 30 mm, यानी जब प्योर ऑक्टेन जो है उसका वेपर प्रेशर, और इसी प्रकार से पी नोट बी हो जाएगा 90 mm, यानी जब हेप्टेन लिक्विड जो बी है वो प्योर थी तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, 90। एक्स ए एक्स बी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और पी एस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हमारा एम है, तो सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू 30 इंटू 3/5 प्लस 90 इंटू 2/5। इसको सॉल्व करने पे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 54 mm ऑफ मर्करी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है जो ब्लू बॉल्स हैं वो सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रही हैं, और जो ग्रीन बॉल्स हैं ये किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल होने के कारण जो सॉलिड सॉल्यूट है उसके तो वेपर्स नहीं बने, जबकि वोलेटाइल होने के कारण सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर्स बने हैं, यानी वेपर फेज में सिर्फ जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसके वेपर्स होंगे। वेपर फेज ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट कंसिस्ट ऑफ वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट एलोन, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व किया गया हो, तो ऐसे सॉल्यूशन के वेपर फेज में सिर्फ सॉल्वेंट अकेले के वेपर्स होंगे। अब देखिए, अगर इस सॉल्यूशन की जगह प्योर सॉल्वेंट इसी कंटेनर में सेम टेम्परेचर पे होता तो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के ही होते। ये क्लियर है कि सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेसर देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड बिकॉज इन द सॉल्यूशन सरफेस हैज पार्टिकल्स ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, देयर बाय फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस डिक्रीजेस, दस द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस एंड अल्टीमेटली वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड। चलिए अब पढ़ते हैं रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। यहां हमने डिस्कस किया था एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई होता है, यानी पी नोट ए की वैल्यू हाई होगी, जबकि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पी एस वो हमेशा कम होता है, यानी सॉल्यूशन बनाने से पहले वेपर प्रेशर कितना था, पी नोट ए, और सॉल्यूशन बन जाने के बाद कितना हो गया, पी एस, और पी एस कम हो गया है, तो जो न्यूमरेटर है पी नोट ए माइनस पी एस ये रिप्रेजेंट करता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर इसी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को लोवरिंग होने से पहले जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर था पी नोट ए उससे डिवाइड कर दें तो जो रेशियो है वो कहलाएगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए अब देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आई कैसे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। हमें पता है सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस के लिए पी एस पी ए के ही इक्वल होगा बी के नॉन वोलेटाइल होने की वजह से।
तो रोड्स लॉ के अकॉर्डिंगली पी ए कितना होता है, पी नोट ए इंटू एक्स ए. तो हम लिख सकते हैं कि पी एस इज ऑल्सो इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए. नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स ए. अगर हम लेफ्ट और राइट साइड को वन में से सब्ट्रैक्ट कर लें, वी गेट 1 माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए. इसको एक्सपेंड करें तो आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए. लेफ्ट साइड तो ये बन गई और राइट साइड क्या हो जाएगी, एक्स बी. क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बार बार, बाइनरी मिक्सचर्स के केस में एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1. तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए. तो हमने 1 माइनस एक्स ए को रिप्लेस कर लिया यहां एक्स बी से. तो इस फाइनल एक्सप्रेशन पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी को वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. चलिए अब पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में. आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना डिपेंड करता है वेपर प्रेशर या रोल्स लॉ पे. तो सिंपली अगर डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस. यानी कोई सॉल्यूशन जो पूरी कंसंट्रेशन रेंज में, यानी हाईली डाइल्यूट से लेकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक, या किसी भी टेम्परेचर पे रोल्स लॉ की इक्वेशंस को ओबे करता है, तो दैट इज एन आइडियल सॉल्यूशन. एग्जांपल्स देखें आइडियल सॉल्यूशंस के, तो हो जाएंगे जैसे बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन. दूसरा एग्जांपल लें तो हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलविन. एक चीज यहां पे ध्यान रखना, एक 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन सकता. आइडियल सॉल्यूशन एक थ्योरेटिकल सिर्फ कॉन्सेप्ट है. कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता. लेकिन फिर भी हमने जैसे ये एग्जांपल लिखे हैं, तो ये कैसे आइडियल हो सकते हैं, अगर हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन हो और सिमिलर सब्सटेंसेस के हो, तब वो नियरली आइडियल कैरेक्टर शो करते हैं. तो हम एक नोट लिख लेंगे कि नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ सिमिलर सब्सटेंसेस और लिक्विड्स बिहेव नियरली आइडियल. The solutions which do not obey Rolle's law over the entire range of concentration and temperature are called non-ideal solutions. तो इसमें क्या होगा? Ideally तो पी ए की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, पी नोट ए इंटू एक्स ए. लेकिन यहां पी ए की वैल्यू पी नोट ए इंटू एक्स ए से डिफरेंट आएगी, यानी इक्वल नहीं होगी. तो हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स बी ए. इसी प्रकार से पी बी की वैल्यू आइडियली आनी चाहिए थी पी नोट बी इंटू एक्स बी के इक्वल, लेकिन यहां पे भी क्या होगा, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी. एग्जाम्पल्स में आप किसी भी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिख दो, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो होते ही नहीं. तो जैसे यहां लिख लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वॉटर. चलिए अब थोड़ा सा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, दे ओबे रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. यानी वो सभी कंसंट्रेशन पे और सभी टेम्परेचर्स पे रोल्स लॉ को ओबे करते हैं. यानी पी ए लिक्विड ए का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आएगा, पी नोट ए इंटू एक्स ए. और लिक्विड बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल आएगा, पी नोट बी इंटू एक्स बी के. एक और बात, मिक्सिंग के बाद जो इंटरेक्शंस बिल्डअप होती है ए बी इंटरेक्शंस, वो प्योर जो लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी में जो इंटरेक्शंस थी उनके इक्वल होनी चाहिए. तो सेकंड पॉइंट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट यानी ए बी इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू द इंटरेक्शंस इन प्योर कंपोनेंट्स. इसी को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, ए ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस इज इक्वल टू बी बी यानी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, एंड दीज टू टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर इक्वल टू द इंटरेक्शंस बिटवीन द सॉल्वेंट ए एंड सॉल्यूट बी आफ्टर मिक्सिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो. मैथमेटिकली डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो. यानी अगर हम 100 मिलीलीटर स्पॉज
लिक्विड ए लेते हैं और 20 मिलीलीटर स्पोज लिक्विड बी लेते हैं और दोनों को मिला के एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो सॉल्यूशन का नेट वॉल्यूम बनेगा वो एग्जैक्टली 120 मिलीलीटर बनेगा। एंड द फाइनल पॉइंट इज द हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, यानी एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज ऑन मिक्सिंग भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, और दूसरा हो गया बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉलविन। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, यानी ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, यानी पी ए की वैल्यू पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल नहीं होगी और पी बी की वैल्यू भी पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट में हमने मोलिकुलर इंटरेक्शंस डिस्कस की थी, तो यहां जो मोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं सॉल्यूशन में, यानी ए बी इंटरेक्शंस, वो प्योर कंपोनेंट्स में जो इंटरेक्शंस थी उनसे डिफरेंट होंगी। द सॉल्वेंट सॉल्यूट यानी ए बी इंटरेक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेक्शंस इन प्योर कंपोनेंट्स। मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि ए ए इज इक्वल टू बी बी बट नॉट इक्वल टू ए बी, यानी जो प्योर सॉल्वेंट में इंटरेक्शंस है ए ए और प्योर सॉल्यूट में जो इंटरेक्शन है बीबी वो भले ही इक्वल हो बट मिलाने के बाद जो नई इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में बनेंगी यानी ए बी वो डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो, यानी यहां पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड्स को जब मिलाएंगे तो इन जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से डिफरेंट होगा, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट जीरो। इसी प्रकार से हीट चेंज ऑन मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगी, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो, यानी या तो जब लिक्विड ए और बी को मिलाएंगे तो हीट इवॉल्व होगी या फिर जब मिलाएंगे तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि आइडियल सॉल्यूशंस तो होते ही नहीं है, तो जब आइडियल सॉल्यूशन ही नहीं है तो उनकी तो टाइप्स नहीं होंगी। जितने रियल सॉल्यूशंस है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की दो टाइप होती हैं। फर्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और सेकंड टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्या होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, तो पहले डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। वही चारों प्रॉपर्टीज जो हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में ली थी उन्हीं की हेल्प से हम इनको भी डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, आइडियली लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, लेकिन मान लो ये सॉल्यूशन में पी नॉट ए इंटू एक्स ए से ज्यादा आता है। इसी प्रकार से लिक्विड बी का आइडियली वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और मान लो पी बी की वैल्यू भी पी नॉट बी इंटू एक्स बी से ज्यादा आती है सॉल्यूशन में, इसका मतलब वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, डेविएट कर रहे हैं। और डेविएशन क्या है कि वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, तो जो आना चाहिए अगर उससे ज्यादा आ रहा है मतलब डेविएशन पॉजिटिव बोली जाएगी। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज वन बाय वन। नंबर वन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो अभी मैंने बताया था पी ए की वैल्यू आनी तो चाहिए थी पी नोट ए इंटू एक्स ए के इक्वल, लेकिन यहां पी ए क्या है, ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए। इसी प्रकार से पी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, लेकिन एक्चुअली क्या है, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। नेक्स्ट पॉइंट में हम इंटरेक्शंस देखते हैं, वेपर्स जितने बनने थे उससे ज्यादा बने, इसका मतलब मिलाने के बाद इंटरेक्शंस वीक हो गई होंगी, तो क्या लिख सकते हैं, द सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर वीकर देन इंटरेक्शंस इन प्योर कॉम्पोनेंट्स। एक बार फिर से बता दूं, हमें पता है इवेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस के, तो जितने वेपर्स बनने थे उससे ज्यादा तभी बन सकते हैं जब लिक्विड मिक्सचर में इंटरेक्शंस वीक हो गई हो। तो यहां नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस विल बी वीकर देन द इंटरेक्शंस इन द प्योर कंपोनेंट्स। मैथमेटिकली
AB interactions are weaker than AA interactions or BB interactions. Next point आ जाएगा volume change पे. In such solutions, the volume change on mixing is positive. मतलब liquid A और liquid B को मिलाने के बाद जो solution बनेगा, तो solution का volume sum of volume of A and B से थोड़ा ज़्यादा आएगा. Mathematically, delta V mixing is greater than zero. इसी प्रकार से फाइनल पॉइंट हो जाएगा, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो. अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो पहला एग्जांपल है बेंजीन प्लस एसीटोन, नेक्स्ट इज कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, नेक्स्ट इज इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, नेक्स्ट इज ईथर प्लस एसीटोन, नेक्स्ट इज इथेनॉल प्लस एसीटोन एंड लास्ट इज इथेनॉल प्लस वाटर. और भी एग्जांपल बन सकते हैं. इन सभी में क्या है, जब तक प्योर सॉल्वेंट है उसमें इंट्रैक्शंस स्ट्रांग है, सॉल्यूट के मिक्स करने के बाद जो इंट्रैक्शंस है वो क्या हो जाती है, रिलेटिवली वीक. इसीलिए रोड्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो वेपर प्रेशर्स आने थे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के, उनसे ज्यादा आएंगे. यहां अगर ग्राफ देखें तो वो किस प्रकार से आएगा, हमने पीछे डिस्कस किया था आइडियल सॉल्यूशंस के केस में, तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन. लेकिन यहां नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है, तो वेपर प्रेशर जो ए का यानी पी ए, ऐसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी बी या ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो पी एस, आइडियली जो आने चाहिए थे वो तो ये डॉटेड लाइन जो दिखा रखी है डायग्राम में, यहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए थी. लेकिन क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में ये सारी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से हायर आती हैं, तो रियल वैल्यूज आएंगी इनसे हायर. चलिए अब डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ. हमने देखा था कि रोड्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए क्या आना चाहिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए. लेकिन अगर उससे कम आता है तो मतलब डेविएशन है, और कम आया मतलब नेगेटिव डेविएशन है. इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी पी बी, आइडियली तो कितना आना चाहिए था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, लेकिन उससे कम आता है मतलब नेगेटिव डेविएशन है. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इज लेसर देन एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए पी ए विल बी लेसर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज लेसर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी. ऐसा होने के पीछे रीजन क्या होगा, हमें पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस. तो वेपर प्रेशर आइडियली जितना आना चाहिए था उससे एक्चुअली कम आया है. इसका मतलब वेपर प्रेशर घटा है, और यह तभी घट सकता है जब मिलाने से लिक्विड ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर हो गई हो. सो सेकेंड पॉइंट इज सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरेक्शंस इन प्योर components. Mathematically, the interactions AB are greater than or stronger than interactions AA or interactions BB. Next point is volume change on mixing is negative. Mathematically, delta V mixing is less than zero. Less than zero matlab negative. And final point is heat change on mixing is negative. Yeah, heat change on mixing negative hogi. That is delta H mixing is less than zero. ऐसे सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, फिनोल प्लस एनिलीन, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड एंड मिथेनॉल प्लस फॉर्मिक एसिड. ये सभी ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स हैं जिसमें प्योर जो सॉल्वेंट है उसमें इंट्रैक्शंस वीक थी, लेकिन सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो नई जो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं. इसीलिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर्स कंपोनेंट लिक्विड्स के आने थे उससे कम आते हैं. ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ कैसा आएगा, जो आइडियल सॉल्यूशंस में जो ग्राफ आता था वो जो हमने डॉटेड लाइन दिखा रखी है ऐसा आना चाहिए. लेकिन यहां क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के या सॉल्यूशन के होने थे उससे कम आएंगे, तो इसमें जो कर्व्स हैं वो इन डॉटेड लाइंस के स्ट्रेट लाइंस के नीचे से आ जाएंगे.